हम एक सियासी लोग हैं, हम आपस में मशवरा करेंगे और फिर अपना फैसला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी सरदार बंसबड़ी डोगर। मैं पाक पतन से दो दफ़ा मैंने रहा हूँ, एम बी ए भी रहा हूँ। अभी दो माह पहले मैं पीटीआई में शामिल हुआ था और उसका मुझे सूबे का टिकट अवार्ड किया खान साहब ने। तो और ये वाकया हो गया, मेरा पीटीआई से इतना लंबा चौड़ा फिर रफाकत नहीं है। तो वो 9 मई का वाकया जो है उसने हमारे जहनों पर ये बात नक्श कर दी कि ये क्या हुआ। और वो 2-3 घंटे में जो कुछ हुआ वो किसी की समझ में नहीं आया और ना कुछ सोच सकता था और ना किसी के जहन में बात। तो मेरे भाई उन वाकयात ने हमें हरा के रख दिया है। हम मेरा तो लंबा चौड़ा पीटीआई से रिश्ता नहीं है, इसलिए हम पीटीआई छोड़ने का ऐलान भी करते हैं और इन वाकयात की मजम्मत भी करते हैं। जो हमारी फ़ौज है वो हमारी हफाजत की जामन है और वो जब से पाकिस्तान बना है 1948 से लेकर उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की है और अपनी जानों के नजराने दिए हैं और वो शहीदों की एक बेशुमार लंबी लाइन लगी हुई है जिनकी बेहुरमती की गई, जो सबसे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, इस कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो मेरे भाई ये पता नहीं हमारे लीडरों को क्या होता है, ये जो हम MPA या MNA या वज़ीर होते हैं उन्हें तो पता नहीं इनका फ़ौज के साथ क्लैश क्या होता है, हमें कोई ये बात समझ नहीं आई। मैं 10 साल MNA रहा हूँ, पहले मैं MPA रहा हूँ, मुझे तो एक दफ़ा भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि फ़ौज हमें मार रही हो या कुछ कर रही हो। लीडरशिप के साथ इनका कोई ना कोई बात चलती है जो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और सज़ा हम सब लोग भुगतते हैं, यहाँ की आवाम भुगतती है, हम भुगतते हैं और बग़ैर इलम के भुगतते हैं कि हुआ क्या। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम इस मजम्मत के साथ इस बात को कि हम फौज के साथ हैं, फौज के मुखालफ हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हमारे खून में ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं जितनी भी करते जाएं वो कम है। इस कौम को पता है कि 9 मई के वाकयात ने दुनिया में जो मैसेज दिया है उस पर हमें कितनी शर्मिंदगी होगी और कितनी देर में ये डैमेज कवर होगा। तो खुदा के लिए इसके लिए हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे तो ये डैमेज कवर। खुदा हाफिज़ सर। मैं एक बात आखिर में करना चाहता हूँ। मैं इस मौके पे पाक फ़ौज को खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि जब ये मॉब्स हमला कर रहे थे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आर्मी का हर सोल्जर मुसल्ला होता है। अगर उस दिन पाक फ़ौज एक इंतहाई मजबूत असाब के साथ अमल ना करती, रिस्ट्रेन का मुजाहरा ना करती तो बेशुमार वहाँ पे हलाकतें होनी थी, जिसको शायद और ज़्यादा एक बुरा रंग दिया जाता। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ापन करके उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया। बहरहाल हमने पहले भी मजम्मत की है और अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन कत्ल वारत से बच गए, इमलाक का नुकसान हुआ। इंशाल्लाह ये जो एक बीच में जो आई दरार ये भर जाएगी, ये आवाम इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ, मुल्क के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। सर, अभी वैसे आप सियासत में इन हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो नई पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कुछ तो हमें बताते जाए। और दूसरा, चूंकि आपका भी पाक फौज से ताल्लुक है सर, ये पंजाब में आप वजीर रहे इतना सब, क्या वजह है बयानिया ये क्यों डेवलप हुआ तरीके साहब का? बयानिया मैं समझता हूँ कि चंद अनासर थे कि जिन्होंने फीड किया इमरान खान को और उसके बाद ये सारा, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में भी वो सबसे पहले थे। ये ऐसा किया गया कि बताया गया कि शायद फ़ौज इनके ख़िलाफ़ है, इमरान खान को आने नहीं देना चाहती। मैं उसको कतई तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो शायद इलेक्शन भी होता, पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन भी लड़ती। दूसरी बात ये कि हम बिल्कुल सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं कर रहे, ये भी एक गलत, आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, ये सारे अभी कह रहे हैं, कल को आप सुनेंगे। तीसरी बात ये कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि मेरे साथ, हमारे इन कोलीग्स के साथ बेशुमार
हमारे तहरीके इंसाफ के जो सबका मेंबरान हैं वो शामिल हैं, हम मिलेंगे अपना मुत्तफिका। हम अपने हलके की आवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि हम दम दबा के भाग जाएं और घरों में बैठ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पांच वो हैं कि जो ना गिरफ़्तार हुए हैं, ना कोई ऐसा प्रेशर है। मैं पाक फ़ौज की ऐसी यूनिट से हूँ, शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आप यकीन कीजिए कि 9 मई के बाद वो जो वाक़यात हैं वो ऐसे जहन पे, मैं खुद फ़ौज में रहा हूँ, मैंने वर्दी पहनी है, कैसे आप कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें, कैसे आप एक निशान हैदर वाले शहीद की तस्वीर को नीचे ज़मीन पे डालें और उसके ऊपर डंडे बरसाएं, ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? क्यों फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत बना दी गई? मैंने पहले भी कंडेम किया है हर उस सियासी जमात के लीडर को जो इमरान, जो पाकिस्तान आर्मी के, भले वो साबका भले मौजूदा, ये हमें रवश ख़त्म कर देनी चाहिए। हमें सियासत आपस में रखनी चाहिए। हम नून लीग के ख़िलाफ़ हैं तो नून लीग के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। तो ये हमारा मुत्तफिका लायमल है जी, इंशाल्लाह हम मिलके एक जल्द आप लोगों को बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। साहब ये बताइए, आप कारकुनान की आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको रिहा कर देना चाहिए, आप पाँचों के हल्कों में से कितने कारकुनान हैं जो आपको लगता है जिनको मासूम और गिरफ्तार किया? मेरे हल्के से ऑब्वियसली 2-3 लोग हैं और बस उनकी आप, मैं समझता हूँ उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जो कि मैं आज भी एक सियासी कारकुन का हक समझता हूँ। ये एक आइनी हक है। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहाँ पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फ़ौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए, आपने अगर प्रोटेस्ट करना था तो आप रायवंड क्यों नहीं गए? आपने प्रोटेस्ट करना था आप कराची में बिलावल हाउस क्यों नहीं गए? वाई डिड यू गो टू कोर कमांडर्स हाउस? कोर कमांडर ने आपका क्या बिगाड़ा? और वो इतना दिल खराश सीना है कि इंतहाई के फ़ौज के एक सीनियर अफसर बेबस खड़े हुए चंद लोगों के आगे। अगर उस वक्त वहाँ पर एक पलटून या दो पलटून आ जाती तो आपको पता है मिज़ाइल से लेके तो पिस्टल तक उनके पास हथियार हैं, कितना उन्होंने सब्र व ज़ब्त का काम लिया, कोर कमांडर उनको अपोलोजिटिकली मना करते रहे। ये वो वाक़यात हैं जो बिल्कुल नाकाबले बर्दाश्त हैं और ये आइंदा मुल्क में अल्लाह करे कि ये कभी दोहराना जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आप कंडम कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को और जो फौज के खिलाफ बयानिया खान साहब ने बनाया उसको भी आप कंडम कर रहे हैं, ये बताएं कि जब आप पार्टी के अंदर थे, आपके पास सिक्योरिटी के सारे मामला से आप बाखबर भी थे, जो स्ट्रेटेजी होती है, बहुत मशवरे दिए थे? अब मैं व्हेन यू आर पार्टिंग वेज, जब आप अलहदगी इख्तियार कर रहे हो तो फिर आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा बहुत अच्छा एक तल्लक गुजरा, मगर साथ ही शायद आप लोगों के इलम में है कि मैं वज़ीरे दाखला था। अडयाला जेल के बाहर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा जी शहबाज गिल के ऊपर अडयाला जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। मैंने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च होगी तो इसमें हम पंजाब पुलिस इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं उस वक्त भी बैलेंस बात करता रहा। आप कभी भी पुलिस एक सूबे की लेके वफाक पे चढ़ाई नहीं कर सकते। मैं जो अपनी मैं समझता हूँ कि मेरी कम अकली थी या जो भी था, मैं उसके मुताबिक ज़रूर मशवरे देता रहा हूँ, मगर खान साहब को मशवरे देने में और ज़्यादा लोगों का, मैं उस कैटेगरी में नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हम जो सियासी तौर पे बेहतर समझ रहे हैं वो करें। बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारा काफ लीग किसी लीग से कोई तलक नहीं है। हम इस वक्त एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हैं और इंशाल्लाह जल्द आप भाइयों के सामने, बहनों के सामने पेश होकर। फॉरवर्ड ब्लॉक तब होता है कि जब आप हुकूमत में हों।